Let's do question number 2 of exercise 3E, that is whole number. Question number 2 is divide and find out the quotient and remainder. Check your answer. Hame divide karna hai aur hame quotient aur remainder find out karna hai aur check karna hai apna answer. To first part is 6971 divided by 47. First part is 6971 divided by 47. चलिए डिवाइड करते हैं 6971 को हमने 47 से डिवाइड किया 47 वन्स ऑफ 47 गया क्योंकि टूज़ा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो 9 में से 7 गया 2 6 में से 4 गया 2 हमने 7 उतार लिया तो 47 थ्रीज़ा देखते हैं 3 सेवन्स आर 21 3 फोर्स आर 12 13 एंड 14 तो ये कम है तो 47 अगर मैं करूँ 6 तो 6 4 जा 24 हो जाता है तो वो ज़्यादा हो जाएगा तो 47 5 जा करके देखते हैं 5 7 जा 35 5 4 जा 20 एंड 23 तो ये ज़्यादा हो रहा है तो दैट मीन्स 4 जा जाएगा तो 47 4 जा 4 7 जा 28 4 4 जा 16 17 एंड 18 हो गए तो हमारा 4 जा गया 188 तो ये कितना आ गया 17 में से 8 गया इज 9 एंड 11 में से 8 गया इज 3 अब हम 1 उतार लेंगे नीचे तो ये आ गया 391 अब 47 9 जा करते हैं 9 7 जा 63 9 4s are 36 and 37, 38, 39, 40, 41, 42 ये ज़्यादा हो जाएगा तो 47 8s are करते हैं 8 7s are 56 8 4s are 32, 33, 34, 35, 36, 37 तो ये 8s are गया 8s are कितना आया 376 तो माइनस करेंगे 11 में से 6 गया 5 and 8 में से 7 गया इज 1 तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 15 चलिए अब चेक करेंगे अब हमें कोशेंट पता चल गया है 148 है रिमाइंडर पता चल गया है 15 है अब हमें चेक करना है चेक करने के लिए हम क्या करते थे डिविडेंड निकालते थे कि क्या डिविडेंड हमारा सेम आ रहा है कोशेंट रिमाइंडर और डिवाइज़र के थ्रू तो हम कैसे निकालते थे कोशेंट को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करते थे और प्लस रिमाइंडर करते थे तो डिवाइज़र क्या होता था जिससे हम डिवाइड करते हैं तो दैट मीन्स 148 को हमने 47 से मल्टीप्लाई किया और उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे 15 तो 148 को हम पहले 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 8s are 56 5 carry 7 4s are 28 29 30 31 32 and 33 3 carry 7 1s are 7 8 9 10 4 8s are 32 3 carry 4 4s are 16 17 18 19 carry 1 4 1s are 4 and 5 तो ये कितना आ गया 6 5 9 and 6 तो ये आया 6 9 5 6 plus 15 तो ये कितना आ गया 5 प्लस 6 इज 11 कैरी 1 यहाँ पे कैरी लगा देते हैं तो ये कितना आ गया 7 9 एंड 6 तो देखिए सेम आ रहा है डिविडेंड तो हेंस आर आंसर इज करेक्ट लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट इज 4178 डिवाइडेड बाय 35 4178 डिवाइडेड बाय 35 चलिए डिवाइड कर लेते हैं 4178 डिवाइडेड बाय 35 वन्स इज 35 माइनस हुआ तो कितना आ गया 6 7 आ गया अब 35 टूज़ा हमें पता है 70 हो जाता है तो वन्स ही जाएगा अगेन 35 तो ये कितना आ गया 7 में से 5 गया इज 2 6 में से 3 गया इज 3 अब 8 उतार लिया अब 35 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 टू 8 आ जाए तो 6 से देखें 6 5 जा 30 6 3 जा 18 19 20 एंड 21
35, 9s are देखे, 9 5s are 45, 9 3s are 27, 28, 29, 30, 31, तो ये आ गया 315, 315 आ गया, तो 9s आ जाएगा हमारा, 315, माइनस किया तो कितना आ गया, 8 में से 5 गया is 3, and 2 में से 1 गया 1, 13 आ गया remainder, तो हमारा quotient आ गया, 119, remainder आ गया 13, और divisor आ गया 35. अब हम check करेंगे कि हमारा dividend आता है कि नहीं आता है इन तीनों की help से, तो dividend equals to, कैसे निकलता था dividend, quotient into divisor plus remainder, तो quotient था हमारा 119 into divisor is 35 plus remainder is 13. तो 119 को हम 35 से multiply करेंगे. तो कितना आ गया? 5 9s are 45, 4 carry, 5 1s are 5, 6 7 8 9, 5 1s are 5, 3 9s are 27, 2 carry, 3 1s are 3, 4 5 and 3 1s are 3. तो ये कितना आ गया? 5 16 carry 1, 10 and 11, carry 1 and 4, 4, 1, 6, 5 plus 13, so that means 4, 1, 7, 8, so dekhiye, yahi same dividend aa raha hai, that means our answer is correct. Let's do third part. Third part is 36195 divided by 150. तो चलिए डिवाइड करते हैं 36195 को हम डिवाइड करेंगे 153 से तो 153 को देखिए क्यों 3 डिजिट तक लेंगे 361 तक लेंगे तो दैट मींस 2s देखते हैं कितना आता है तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 3s 6 2 5s 10 कैरी 1 2 1s 2 एंड 3 तो ये आया 2s 3, 0 and 6 तो minus हुआ तो कितना आएगा 11 में से 6 गया is 5 और 5 में से 0 गया 5 अब हमने 9 उतार लिया तो 153 4 जा देखते हैं 4, 3 जा 12 4, 5 जा 20 2 carry 4, 1 जा 4, 5, 6 तो ये ज़्यादा आ रहा है that means 153 3 जा जाएगा तो 3 3 is a 9, 3 5 is a 15, carry 1, 3 1 is a 3 and 4. तो that means 3 is a आ गया हमारा 459. तो minus किया हमने तो कितना आएगा 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया is 1. हमने अब 5 उतार लिया. तो अब देखिए कितना जाएगा 153 8 जा देखते हैं 8 3 जा 24 to carry 8 5 जा 40 42 4 carry 8 1 जा 8 9 10 11 12 ये बहुत ज़्यादा हो गया है तो 153 6 जा देखती हूँ 6 3 जा 18 6 5 जा 30 plus 1 is 31 6 1 जा 6 7 8 9 और 153 7 जा देखते हैं कि ज़्यादा आता है कि नहीं 7 3 जा 21 7 5 जा 35 36 37 7 1 जा 7 8 9 10 तो that means हमारा 6 जा जाएगा ये था 918 तो ये कितना आ गया that means 15 में से 8 गया 7 9 में से 1 गया 8 87 हमारा remainder आ गया अब हमारा quotient आ गया 236 remainder आ गया 87 और divisor आ गया हमारा 153 तो अब हम check करेंगे कि हमारी same value आती है कि नहीं आती है तो dividend equals to quotient into divisor plus remainder तो quotient कितना आ गया 236 into 153 remainder कितना आ गया 87 तो 236 into
153 कितना आया, 3 6 18 कैरी 1, 3 3 9 एंड 10, 3 2 6 एंड 7, 5 6 30 3 कैरी, 5 3 15 16 17 18, 8 1 कैरी, 5 2 10 एंड 11। आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम डिजिट्स आ गई, ऐड कर देंगे तो यह 8 0, 8 प्लस 7 इज 15, 15 प्लस 6 इज 21, 2 कैरी तो ये आ गया 6 एंड 3 3 6 1 8 प्लस 87 तो ये कितना आ गया, 8 प्लस 7 इज 15, 5 कैरी 1, 1 प्लस 8 इज 9, 1 6 एंड 3। तो देखिए सेम आ गया डिविडेंड, तो हमारा आंसर करेक्ट है। लेट्स टू फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट इज 93575 डिवाइडेड बाय 400। चलिए डिवाइड करते हैं 93575 को 400 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 3 डिजिट तक लेंगे तो हमें पता है 400 2 जा, ये बहुत इजी है, 4 का टेबल पढ़ें आगे 2 जीरोज़ लगा दें, 4 2 8 होता है क्योंकि 4 3 12 हो जाता है तो वो ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए 4 2 तक पढ़ा, राइट। तो ये आ गया 135 माइनस करके 7 उतार लिया। अब हमें पता है 4 3 12 होता है तो 3 तक पढ़ा और आगे 2 जीरोज़ लगा ली, तो कितना आ गया 7 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 3 में से 2 गया 1, अब हमने 5 उतार लिया। अब 4 4 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 अगेन 1200, तो ये कितना आ गया, दैट मीन्स रिमाइंडर आ गया हमारा, ये 5 बचा, ये 7, 5 में से 2 गया इज 3, तो हमारा कोशेंट आ गया 233 और रिमाइंडर आ गया हमारा 375 और डिवाइजर आ गया हमारा 400। तो अब हम चेक करेंगे, दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो कोशेंट क्या था 233 इनटू डिवाइजर दैट इज 400 प्लस रिमाइंडर इज 375, तो ये कितना आ गया, देखिए ये 400 की 2 जीरोज एज इट इज। अब यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए या साइड में कर लीजिए, देखिए 233 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, 4 3 12 एंड 13, 4 2 8 एंड 9, तो ये आया 932 प्लस 375, तो ये कितना आया 75 एज इट इज, 3 प्लस 2 इज 5, 3 एंड 9, तो देखिए सेम आंसर आ गया, तो हेंस आर आंसर इज करेक्ट। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट इज 23025 डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड करना है, तो चलिए करते हैं, 1000 से डिवाइड करना है तो ये आ गया 23025 को हमने 1000 से डिवाइड किया, तो 2 ज़ा 2000 माइनस किया तो कितना आ गया 302 बज गया और हमने 5 उतार लिया, दैट मीन्स 3 ज़ा गया, 3000 आ गया, तो ये कितना बज गया 25। अब हमें पता चल गया कोशेंट है हमारा 23, रिमाइंडर है हमारा 25 और डिवाइजर है हमारा 1000, तो चेक करते हैं डिविडेंड आता है कि नहीं आता है इन तीनों की हेल्प से। तो डिविडेंड क्या होता था हमारा, कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो कोशेंट था हमारा 23, डिवाइजर था हमारा 1000, रिमाइंडर है हमारा 25, तो ये कितना आ गया 23000 प्लस 25,
तो ये कितना आ गया, 23025 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. ये देखिए ये सेम आ गया है, दैट मीन्स आर आंसर इज करेक्ट. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. नेक्स्ट पार्ट इज 16135. 16135 डिवाइडेड बाय 875. तो चलिए करते हैं. 16135 को हमने 875 से मल्टीप्लाई किया, वो 875 से डिवाइड किया, 875 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 875 टू ज़ा कितना आया, 2 5 ज़ा 10, कैरी 1 2 7 ज़ा 14 एंड 15, 2 8 ज़ा 16 एंड 17. ये ज़्यादा हो जाएगा, देखिए 1750 हमें 1613 के अंडर लेना था, तो 1 ज़ा आया 875. तो ये कितना आया, 13 में से 5, 3 में से 5 नहीं जा सकता, तो 13 में से 5 जाएगा. 13 में से 5 गया इज 8. नाउ 0 हो गया, 0 में से 7 नहीं जा सकता, तो 10 में से 7 गया इज 3. 15 में से 8 गया इज 7. अब 5 उतार लेंगे, राइट. तो अब ये कितना आएगा, देखिए 8 7 5 6 ज़ा 6 5 ज़ा 30 6 7 ज़ा 42 45 हो गया, 6 8 ज़ा 48 49 50 51 52. ये कम है तो 875 8 ज़ा देखते हैं, 8 5 ज़ा 40 8 7 ज़ा 56, तो 60 हो गया, 8 8 ज़ा 64 एंड 70. अब हम 8 7 5 9 ज़ा करेंगे तो देखिए ऑब्वियसली 7000 में 875 और जुड़ जाएगा तो वो बड़ा हो जाएगा, तो दैट मीन्स हमारा 8 ज़ा जाएगा. तो 8 ज़ा कितना आ गया, ये 7000. तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, दैट इज 385 बच गया. तो हमारा कोशेंट आ गया 18, रिमाइंडर आ गया 385 और डिवाइज़र आ गया हमारा 875. तो अब चेक करेंगे कि इन तीनों की हेल्प से हमारा डिविडेंड सेम आता है कि नहीं आता है. तो ये आया हमारा कोशेंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर. तो कोशेंट कितना था हमारा 18, डिवाइज़र था 875, रिमाइंडर था 385. तो ये कितना आ गया, 875 को हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 ज़ा 40 8 7 ज़ा 56 60 आ गया, 8 8 ज़ा 64 70 हो गया. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, तो दैट मीन्स ये आ गया 0 5 7 एंड 15. तो दैट मीन्स 15750 में ऐड किया 385. तो ये कितना आ गया, 5 8 प्लस 5 इज 13, कैरी 1, 7 प्लस 1 इज 8 8 प्लस 3 इज 9 10 11, कैरी 1, 5 प्लस 1 इज 6 एंड 1. तो देखिए सेम आ रहा है, तो हेंस आर आंसर इज करेक्ट आंसर.